आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स 2 में नया चैप्टर, उसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको मज़ा भी आएगा इस चैप्टर को सीखने में। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 11 है फिजिक्स का, ठीक है। आज आगे देखते हैं इसके बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स निकलता है उसको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें अभी देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या चैप्टर का नाम पहले, चैप्टर 11 है, ठीक है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पहले कुछ क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ, उसके पहले जवाब देखते हैं आता है कि नहीं आपको, ठीक है। तो क्या रहता है, पहला देखते हैं कि पहला क्या क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है ये हम देखते हैं। देखो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, देखो एक मैग्नेट होता है, एक हम लोग ने बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है। एक बार मैग्नेट ले लिया हम लोग ने, उसकी एक साइड होती, दो साइड होती है, दो पोल होता है, ठीक है। एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो देखो ये कुछ ऐसा फील्ड बनाएगा, इसके अपने आजू बाजू क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी, अगर हम लोग मेटल रख रहे हैं, कोई भी मेटल रख रहे हैं हम लोग, तो ये जो मैग्नेट है वो इतने ऐसा फोर्स लगाएगा कि इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास चिपका लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ऐसा जो फोर्स लगा, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो ये लाइन्स है, मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन्स है, ये जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है मेटल का, तो उसको फटाक से अट्रैक्ट कर लेगा। और उसको अट्रैक्ट करते समय जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। आपको अच्छे से समझा रहेगा, इसके पहले वाले चैप्टर में ही मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ। आप पिछले वीडियो, पिछले चैप्टर में जाके आप देख सकते हो वीडियो को देख के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इस चैप्टर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जानते हो कि क्यों मैग्नेट है जो कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब क्या होता है, देखो हर कोई भी मैग्नेट हो उसके दो पोल्स होते हैं, कभी भी एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, ठीक है। तो ये बात इसमें क्या बोला है कि क्यों नहीं होता है। अगर हम लोग देखो, ये बार मैग्नेट है अपना, ठीक है, ये बार मैग्नेट है इसका, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अगर इसको हम लोग बीच में से ब्रेक करने की कोशिश भी करेंगे, अगर इसको हम लोग ने ब्रेक कर दिया, जब ये टूट के फिर से, ये जब ये टूटेगा, तो अगर हम लोग इसको साइड में कर दिए, फिर टूटेगा ना, तभी भी ये दो पोल बनाएगा। कैसे बनाएगा, फिर एक नॉर्थ बनाएगा, एक साउथ बना लेगा, ठीक है। फिर से एक पोल बना, फिर इसको भी तोड़ेंगे तो फिर से एक क्या बनाएगा, फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना लेगा, ठीक है। फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल, जितना तोड़ेंगे उतना ही ये बनाते रहेगा, वैसे ऐसे बनाते रहेगा। इसके लिए कभी भी मोनोपोल मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके पास हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। भले से ही इसको अगर हम लोग तोड़ रहे हैं, बीच में से तोड़ रहे हैं, तभी भी ये दो पोल बना लेगा अपना, ठीक है। दो पोल बना लेगा, ऑटोमेटिक दो पोल बना लेगा अपने आप, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग द मैग्नेटिक कंपास नीडल। मैग्नेटिक कंपास नीडल बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज होता है, तो इसको हम लोग जान लें कि इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टील एलॉय।
एलॉय का मतलब आपको जानना जरूरी है। एलॉय क्या होता है? बहुत सारे मेटल्स के मिक्सचर, चाहे मेटल या नॉन मेटल का भी मिक्सचर रहेगा, उसी को अलॉय बोलते हैं। समझे? मेटल ले लो और कुछ नॉन मेटल ले लो, दोनों को मिक्स करके जो बना रहे हो उसको अलॉय बोलते हैं। या तो मेटल ही मेटल, ये मतलब ये देखो एक आयरन ले लिया हम लोग ने, एक जिंक ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिए तो भी एक अलॉय बन गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अलॉय। अलॉय को जानना जरूरी है आपको, क्योंकि आपके 12th में बहुत ही मतलब हर जगह यूज़ होता है अलॉय का, बहुत सारे मटेरियल भी बनते हैं, तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसका क्या थर्ड क्वेश्चन क्या है। विच विच मटेरियल विच मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक कंपास नीडल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए है बेसिकली इट मेड बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ मेटल। मेटल का तो बना रहता है तो अपने को मालूम है, लेकिन कौन सा मेटल का? दैट इज, इसको बोलते हैं दैट इज स्टील अलॉय, ठीक है। स्टील अलॉय का बना हुआ रहता है, इसका बना है स्टील अलॉय का। इतना आप लोग ने जाना, ये तो बेसिक था इस चैप्टर के लिए, थोड़ा सा बेसिक हम लोगों ने देखा कि कैसे समझ सकते हो चैप्टर का। आगे ये जितना समझ रहा है तो आगे आगे आपको समझने की थोड़ी सी इच्छा होगी, अच्छा रहेगा, ठीक है, तो आप अच्छे से इजीली समझ सकोगे ये सब। आगे देखते हैं, एक डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉर्क बताता था, टॉर्क क्या होता है, ठीक है। टॉर्क आप लोगों ने देखा रहेगा कि देखो ये मैग्नेट, इसके पिछले चैप्टर में भी देखा रहेगा आपने, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग ने अगर ये बार मैग्नेट को रखा, ठीक है, अगर ये बार मैग्नेट को रखा तो कुछ फोर्स की वजह से देखो ये इधर रोटेट करेगा, ठीक है, इस साइड तो इधर रोटेट करेगा, फिर इसी उसी समय इधर से भी रोटेट करेगा। जब ऐसा रोटेट कर रहा है बार मैग्नेट तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डेरिवेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो उस डेरिवेशन में क्या बोला गया है, पहला क्या है कि पहले से एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं, फिर उसको क्या बोला गया, नाउ इफ इफ अ बार मैग्नेट इफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ आपको जानना जरूरी है। देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी फील्ड जो चेंज ना हो, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टेश मतलब ऐसी का वैसी चेंज ना हो, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो एक बार मैग्नेट को हम लोग कुछ मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, कौन सी कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड? वो यूनिफॉर्म होगी, जो कि चेंज नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, इन दिस सिचुएशन सिचुएशन में क्या आएगा कि जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट विल बार मैग्नेट विल परफॉर्म रोटेशनल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। कैसे? देखो जो हम लोगों ने लिया था ना इसको, इसके जो बार मैग्नेट है ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जब फोर्स लगेगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक लाइन से फोर्स लगेगा जब इसके ऊपर, तो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था, तो रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले इसको। तो डायग्राम में क्या होता है कि देखो क्या है, इसे मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये अपना क्या होता है बार मैग्नेट है, ये रखा हुआ है इसके अंदर, ये क्या है, ये है, ठीक है, बार मैग्नेट रखा हुआ है। देखो जो ये बार मैग्नेट है इसका इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, अगर इधर से जब इसमें रोटेशनल मोशन कैसे परफॉर्म करेगा, रोटेशनल मोशन को कैसे फील करेगा, देखो जब ये कुछ फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की वजह से, देखो
जब ये इस साइड मूव करेगा तो ऑटोमेटिक ये इस साइड मूव करेगा, ठीक है, टॉर्क, तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा, ये साइड मूव करेगा, ये साइड मूव करेगा। तो ऐसे क्या होता है, जब ये रोटेशन मोशन परफॉर्म होते हैं इसी के बीच में, देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कि रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेशन मोशन परफॉर्म करते करते कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वर्क के फॉर्म, जब देखो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो कुछ, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क की वजह से होता है ना, जब वर्क करेंगे तभी डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट के वजह से वर्क के वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के टाइप में वो स्टोर्ड होता है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, उसको हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या होता है, वो जो वर्क डन होता है किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखते हैं, इधर देखते हैं, ड्यू टू एनी डिस्प्लेसमेंट, देखो जब रोटेशन करेगा तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही ना, तो डिस्प्लेसमेंट किसके वजह से, तो जब वर्क की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो देखो जब क्या होता है, ड्यू टू एनी डिस्प्लेसमेंट वर्क विल बी डन, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब वर्क हो रहा है, उसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क विल बी डन, क्या होएगा, तो वर्क होएगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो कुछ वर्क होएगा, और उसी वर्क को स्टोर्ड होएगा किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो वर्क है वर्क किसके किसमें स्टोर्ड होएगा, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसके फॉर्म में स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी से मैग्नेटिक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि देखो जो डिस्प्लेसमेंट किसके वजह से हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ रोटेशनल मोशन की वजह से हुआ, और रोटेशनल मोशन किसके वजह से हुआ, ये टॉर्क की वजह से हुआ, ठीक है। ये अपने को पता है ना, डिस्प्लेसमेंट किसके वजह से हुआ, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन हुआ, वर्क डन के हिसाब से तो उसको स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड हुआ इसकी वजह से, तो इसके हिसाब से देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट किसके वजह से हुआ, रोटेशनल मोशन की वजह से हुआ, और जो रोटेशनल मोशन किसके वजह से हुआ, टॉर्क की वजह से हुआ। देखो टॉर्क की वजह से, देखो ना ये इधर से रोटेट किया तो टॉर्क हुआ तो रोटेशनल मोशन हुआ, जब रोटेशनल मोशन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन की वजह से स्टोर्ड हुआ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि देखो ये क्या होता है, अपने इसको क्या ले सकते हैं, तो ये देखो ये पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले नॉर्मल था तो 0 डिग्री पे था, फिर जब रोटेट किया तो वो कुछ थीटा डिग्री पे रोटेट किया, देखो ये थीटा डिग्री पे रोटेट किया, जब ये जो मैग्नेट है रोटेट किया तो थीटा डिग्री पे, पहले तो 0 पे था, 0 एंगल पे था, फिर जब रोटेट करता है तो थीटा, तो लिमिट बताना रहता ना पहले स्टार्टिंग से एंड का, तो जो अपने को लिमिट है ये इसके 0 से लेकर थीटा की, मतलब रोटेट हुआ ना जब मैग्नेट, तो इसके लिए थीटा हो गया, पहले 0 एंगल पे था, फिर थीटा एंगल पे रोटेट होने के बाद हो गया, फिर उसके बाद टाव, टॉर्क की वजह से ही जो भी हुआ है अपना रोटेशनल मोशन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ है, किसके वजह से हुआ है, टॉर्क की वजह से हुआ है, तो टॉर्क इनटू कुछ एंगल के पे हुआ है, तो डी थीटा। तो अपने को पता है कि जो अपने 11th में पढ़ा हुआ है कि देखो ये टॉर्क के बदले, हम लोग को क्या पता हुआ है कि 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि mv sin थीटा होता है। देखो जब ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जब टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो क्या बनाता है, mv sin थीटा, ये हम लोग ने 11th में पढ़े हुए हैं, ठीक है, इतना आपको पता चला mv sin थीटा होता है टॉर्क को। तो इसी टॉर्क की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको टाव बोलते हैं, ये जो साइन है इसको हम लोग टाव बोलते हैं, तो टाव की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, mv sin थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिखेंगे। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट तो आप लोग करना जानते ही होंगे, अभी तो 12th में पहुँच गए आप लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन आया हुआ रहेगा Max 2 में, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि जब 0 करेंगे तो साइन 0 तो 0 होता है, देखो ये कांस्टेंट है, देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे, तो ऐसे का देखो ये हम लोग को पता है कि ये कांस्टेंट है, इसको तो चेंज नहीं होने वाला, इसको हम लोग ने ऐसे का ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो साइन एक बार 0 को लेंगे, ठीक है,
तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, तो पूरा जीरो हो जाएगा टर्म, ठीक है। फिर माइनस, माइनस रहता है क्या, तो अपर, अब क्या होगा, अपर लिमिट होगा। अपर लिमिट क्या होता है मालूम है, अपर लिमिट क्या होता है देखो, अपर, अरे ये अपर लिमिट है ना, पहले अपर लिमिट से चालू करेंगे, सॉरी मैंने नीचे से चालू कर दिया ना, सॉरी अपर लिमिट से चालू होगा। अपर लिमिट से क्या पाया जाता है, थीटा ना, देखो एम बी तो कॉमन है, कॉमन ही ले लिया हम लोग ने। फिर साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, ये आपको याद रखना जरूरी है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, देखो ये माइनस हो गया कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होता है, तो जब जीरो डालेंगे साइन थीटा इक्व, साइन थीटा जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, तो जीरो होता है तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इंटीग्रेशन कभी भी, ठीक है। तो अपने को क्या मिला, माइनस एम बी, एम बी तो कॉमन था, तो साइन थीटा का हम लोग ने इंटीग्रेशन लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा हम लोग ने लिख दिया, ये अपने को ये डेरिवेशन, ये मतलब ये अपने को रिजल्ट मिला, ठीक है। ये क्या मिला, ये रिजल्ट मिला। अब हम लोग स्पेशल केसेस देखते हैं, केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो केस देख सकते हैं, केस, केस वन देखते हैं, केस वन एट थीटा इक्वल टू, अगर थीटा जीरो रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग केस देखते हैं, अगर थीटा जीरो रहेगा तो क्या होगा, जब थीटा जीरो रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इक्वल टू माइनस एम, अरे जीरो क्या होता है, थीटा अगर जीरो रहेगा तो कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, तो ये वन हो जाएगा तो माइनस एम बी हो जाएगा, ठीक है, बस खाली इतना ही बचेगा। तो ये केस के वजह से मालूम पड़ा। अब केस टू देखते हैं, केस टू क्या बोल रहा है अपने को कि एट, एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे, 180 डिग्री पे क्या होगा, जब कॉस 180 डिग्री क्या होता है मालूम है तुम्हें, कॉस 180 डिग्री माइनस वन होता है, कॉस 180 डिग्री माइनस वन होता है, अगर इसमें हम लोग माइनस वन रख देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या बचेगा अपने को पोटेंशियल एनर्जी, क्या बचेगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बचेगा अपने को एम बी, ठीक है, ये 180 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे देखेंगे केस थ्री, केस थ्री देखते हम लोग एट, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, जब हम लोग 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो जीरो ही होगा ना, तो ये क्या होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो एट 90 डिग्री पे, क्या होएगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होएगा मैग्नेट का, ठीक है। इतना अपने को पता चला, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, अरे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड एट एंगल ऑफ 180 डिग्री इट विल बी एम बी एंड एट एंगल ऑफ जीरो इट विल बी माइनस एम बी। आप लोग को इतना पता चला। अब अगला पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये बेसिक्स है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, एक बार रिवीजन कर लीजिए आप अपने घर पर बैठ के, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लोगे तो ये आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू आपको, आप लोग का।